थ्री की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है हमारा चीरो उठता है, सो के कह रहा है कि अलार्म बंद करो। उधर देखता है मधोका सो रहा होता उधर और गुस्से में उसे मार देता है और बोलता है कि क्या हुआ। कह रहा कि मेरे को टेंशन हो रही थी तुम्हारी, इसलिए मैं तुम्हारे बगल में सो गया। फिर वहाँ पे चीरो कहता अपना काम करो और तुमको अपना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर वो कई चीरो कहता इसका इस्तेमाल करो स्प्रे का, जिससे ये नहीं आएगा तुम्हारे पास, इसका इस्तेमाल करना। फिर हमारा नेक्स्ट सीन आता है, वो उधर स्कूल से आ रहा होता है। फिर उस बंदे के साथ है क्या, मेरे पास कोई डॉग वॉग होना चाहिए मेरे को गार्ड करने के लिए, बहुत अच्छा रहेगा डॉग का आइडिया। कर मेरे तो जहाँ पे रहता था अपार्टमेंट में वो अलाउड नहीं था, वहाँ पे देखता है कुत्ता, उस पर लिखा रहता है कि मेरे को ले लो। फिर कुत्ते को देखता रहता है, कहता अरे यार तुम कितने क्यूट हो, तुम तो मेरे रूम में आ जाओगे, कोई टेंशन नहीं। पर मैं ऐसा नहीं कर सकता, मधुका को मना करेगा, मैं तुमको नहीं कर सकता, सॉरी, मैं कोई और तुमको ले जाएगा। फिर वो कुत्ता उसे देख रहा होता है, फिर वो उसे मुड़ के देखता है, फिर वो बोलता है मैं घर आ गया, अपने घर पहुंच जाता है। खाली चुपचाप कुत्ते को जिम में लेकर आता है। वो बोलता है मधुका तुम यहाँ पे क्या हो। केचिरो कहते हैं ये क्या है। फिर वहाँ पे मधुका कहते हैं बिल्ली है और क्या। फिर छींकने लग जाता है, फिर कहता है तुमको पता है। फिर कॉल लगाता है कि यहाँ पे एक बिल्ली मिली है, हाँ एक महीने पर एक की है, मेल है, ब्लैक कलर है, छोटे है, ब्लू आइज है, हाँ आप ले सकते हो, ओके आपका शुक्रिया। केचिरो फोन काट देता है, कहता मधुका तुमको पता है ना कितने बार मैंने तुमको समझाया कि बिल्ली मत लाया करो घर में, तुमको एलर्जी है उससे, तब भी तुम ला रहे हो, अब बच्चों की तरह रोना बंद करो। और वैसी बात नहीं है। फिर उसके बाद वो ना चुपचाप चीरो डर जाता, भाग जाता है और उसके बाद अपने रूम में आ जाता है। वो कह रहा क्या करूँ मैं, अब क्या कर सकता हूँ। वो नहीं पक्का वो बदल लेगा अपना माइंड मधुका, शायद उसे बिल्ली नहीं पसंद तो उसे डॉग पसंद होगा। उसे याद आता है वो डॉग से डर रहा था, कह रहा नहीं डॉग तो बिल्कुल बेकार बात है। फिर वो देख कोई ठीक है तुम यहाँ पे रहो, मैं कोई ना कोई तुम्हारा देखभाल करेगा जब तक मैं ध्यान रखूँगा। रात हो जाती है, फिर वहाँ मधुका कहते हैं मेरी फीलिंग हर्ट हुई है, चीम इसे पहनो, इसे पहन के थोड़ा मेरे को वो दे दो। अरे यार कितने क्यूट हो, मेरे को अच्छा लग रहा है, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत क्यूट हो। तुमको वो पूछता है हमारा कि तुमको बिल्ली पसंद लग रहा है, हाँ। और कोई डॉग कर क्या डॉग डॉग बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल बेकार है, वो अटैक कर देते हैं, मेरे को बहुत डर लगता है, मेरे को पता ही नहीं ऐसे अजीब लोग को कैसे पालते लोग। और वहाँ पे ना चीरो भाग जाता है। मेरे को ना वो चाय बनानी थी। और स्कूल का सीन दिखाते हैं, वो बैठा रहता है, पूछता अपने दोस्तों को तुमको कैट चाहिए, कह रहे नहीं मेरे घर पर डॉग है, मेरे पे पहले से कैट है और मैं नहीं रख सकता, और वो मेरे पर डॉग पहले से, और वैसे भी तुमको क्यों लेना रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर मैं उसे अकेला छोड़ नहीं सकता ना। अरे कि तुमने कहाँ छुपाया अपने डॉग को, फिर अपने रूम के अंदर, अरे तो वो कोई ढूंढ लिया तो, और वैसे भी उसको डॉग पसंद है तुमको, तुम मुसीबत में आ जाओगे। मधुका पे बैठा रहता है और अपने ना ड्राइंग बना रहा होता है कपड़े के लिए, क्योंकि डिजाइनर रहता है। अरे चीरो थोड़ा अजीब व्यवहार कर रहे हैं ना कल से, मधुका कहता हाँ शायद से मेरे को ना उसको वो सर पे बिल्ली वाला नहीं पहनाना चाहिए था, वो शायद से हो गया, इसलिए ऐसी बात नहीं है। फिर वहाँ पे चीरो आ जाता है, बोलता मैं घर आ गया, और कई चीरो कहते हैं वेलकम होम। फिर उससे पहले ही भाग जाता है वो, और वो बोलता है कि ये रे तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, ओहो कितना यहाँ पे। वहाँ पे कई चीरो भी आ जाता है, कई चीरो से देख लेता है क्योंकि उसका पीछा करता है। वो बोलता है कि अच्छा ये बात था, वो बोलता है कि कोई बात नहीं, और तुमको पता है कि कोई मिला तुमको ये डॉग को देखभाल करने वाला, नहीं अभी देखता हूँ, मेरे ना जो ज़्यादातर मेरे जानकारी में तो बिल्ली पसंद है उनको, खाली मैं देखता हूँ। वैसे ही तुमको कोई मदद चाहिए तो तुम मेरे को कह सकते थे, छुपाने की बात क्या। चीरो कहते माफ़ करो मेरे को, कोई तुमको किसी और से माफ़ी मांगनी चाहिए। जो चीरो वहाँ पर रहता है तो मेरे को माफ़ करो, मैंने बिना पूछे यहाँ पे रखा, पहली बार परमिशन नहीं मिली। और ना मधुका ना गुस्से में रखता है चाय, उठता है और चले जाता बाहर। और चीरो को लगता है उसे डर, बोलते क्योंकि गुस्से में, वो कह रहा है कि पहले इस डॉग को कहीं और रखो, मेरे को डर लग रहा है, फिर उसके बाद कुछ बात करेंगे। फिर एक रूम के अंदर वहाँ पे कई चीरो लेके बैठा रहता है, इंतजार कर रहा होता है डॉग का, डॉग के साथ। वहाँ पे एक दूसरे रूम में बात कर रहे होते हैं मधुका, मधुका गुस्से में देख रहा होता है। फिर कई चीरो सोच रहा कि गुस्से में तो नहीं है चीरो। चीरो कहता है कि मेरे को माफ़ करो, मेरे को पता तुमको डॉग पसंद नहीं, पर प्लीज़ मेरे को कुछ दिन तक रखने दो इस डॉग को, जब तक उसे ओनर ना मिल जाए। मधुका बोलता है कि ठीक है, वैसे भी मेरे को पसंद है, तुम इसको तुम्हारी बात तो मैं मना नहीं कर सकता, तो और तुम कुछ और कहना है, और कुछ भी कह सकते हो, मेरे से डराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैंने बिल्कुल हर्ट नहीं हूँ। फिर बिल्कुल सच में मेरे को माफ़ करो, अगली बार मैं बिल्कुल सही से करूँगा, प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो, मैं तुम पे पूरा विश्वास रखता हूँ, दोनों साथ रहेंगे। और वहाँ मधुका हंसने लग जाता है, कह रहे बच्चों जैसा मत रहो, अरे मैं भी तुम पे भरोसा करता हूँ चीरो, भरोसा। वो दोनों कह के चलो हमको कुछ करना पड़ेगा डॉग का, चीरो बोलता है। फिर क्या चीरो अपने रूम में बैठा रहता है, वहाँ पे आ जाता है मधुका, चलो सोने साथ में सोते हैं। डॉग को देखकर डर जाता है वो तो क्या है ये, कह रहे कि अच्छा ये भी आज हमारे साथ सोएगा, तुमको सोना है, कह रहे नहीं पहले इसको हटाओ, कह रहे तुम रात को मेरे घर पे मत आ जाना, ये मेरे रूम में रहेगा, कह रहे क्या ट्रैप बिछा के रखो, तुम कितने गंदे आदमी हो यार।
फिर सुबह हो जाती है, फिर वो बोलता है कि कहाँ हो डॉग मेरे प्यारे, वो आ जाता है अच्छा तुम ये रे, अच्छा वो उठा लेता है, फिर वो बोलता है कि यहाँ पे गार्डन में ज़्यादा ही घास हो गया है और इतना ज़्यादा उग गया है घास फूस, कोई आ जाता बाहर के तो मैं आ गया, अच्छा अरे यू नो तुम यहाँ पे कैसे आ गए यूजी, वो देखे मैं अच्छा अरे तुमको पहले बार ग्रीट करना चाहिए, पहले कुछ बोलना चाहिए बात करने से पहले, तो अच्छा ग्रैंड पा ही नो वो तुम आप यहाँ पे और सब सफाई कर रहे थे गार्डन की, तो बहुत टाइम बाद मिले यंग मैन, कैसा चल रहा है, सबसे चल रहा है कह रहा हाँ, फिर वो बोलते मेरे को पता ही नहीं, मधु का बोलता है कितना ये दुनिया कितनी छोटी, हम साथ में फिर मिल गए, तुमको कोई मदद चाहिए, कह रहे नहीं मैं ठीक हूँ, वो बोलते ना मेरे ये जो है वो हमारा चीरो वो मेरे ग्रैंड पा से ज़्यादा अट्रैक्टेड है, क्या उसकी दाढ़ी है इसीलिए, कह रहे नहीं ऐसी बात नहीं है कोई अलग बात है, यूजी बताता है ये तुमसे अट्रैक्ट नहीं है, वो अभी घुला मिला नहीं है, वैसे भी बिना पूछे डॉग नहीं लाता, ऐसी बात नहीं है, और ये ना दिखाते कई चीरो डॉग लेके इंतजार करता अगले रूम के अंदर, मधोका बोलता है कि क्या करूँ वैसे मैं कुछ ऐसा कर नहीं सकता, ऐसे कल बहुत अच्छा पल बिताया अभी तक हमारा, वैसे भी वो ज़्यादा इतना दिमाग में नहीं है, और कई चीरो हमारा चीरो कहता है तुम काम नहीं करोगे तुम्हारे ग्रैंड पर तुम्हें पैसे नहीं देंगे ना तुम्हें कुछ मिलेगा, और मधोका देख रहा होता है वहाँ पे ये सफाई कर रहे होते हैं कि आप क्या करें यूजी, फिर वो सफाई कर रहे होते हैं और बताओ तुमको मदद चाहिए, तुम्हारे कैसे कपड़े क्यों पहन रखे तुमने, कह रहे कि तुम अरे ये इसके बारे में पूछो मत ये कुछ और है, और पूछता है कि तुम स्ट्रेंजर के घर में रह रहे हो तुमको अजीब नहीं लग रहा, तुमको अचानक से पता चला ये तुम्हारे मम्मी का भाई है या फिर तुमको उनके साथ रहना है कि नहीं रहना, पूछता क्या देखिए तुम्हारे तुमने कहा था तुम्हारे कोई रिलेटिव नहीं है तुम हमारे घर आ सकते हो, वैसे भी तुमको अभी भी मन है तो, वहाँ पे मधोका सुन रहा था सारी बात, वो बताता है मेरे पे मेरे भाई चार है पोते हैं डॉग है तुम आ सकते हो, अरे नहीं आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरी मदद करी, खाली मैं यहीं पे रहूँगा, मधोका सुन के बहुत खुश हो रहा होता है, फिर कहते हैं कि मैं चले गया तो ये फिर से गंदा गंद मच जाएगी घर के अंदर, मेरे पास मेरा खुद का रूम भी है और कई चीरों मधोका बहुत अच्छा है मेरे को लगता है फैमिली जैसा, मैं बोलता है मैं घर आ गया बार बार, बोलता है कि कोई बात नहीं मैं खुश हुआ मेरे को तुम्हारी चिंता हो रही थी, और दोनों हंस रहे होते हैं और वो अपना मैं और वहाँ पर मधोका स्माइल कर रहा होता है, फिर वहाँ पे आ जाती है हमारी मियाको, मियाको कहती है ये तो डॉग मेरा है, अरे तुम कितने क्यूट हो, तुम्हें से ऐसे डॉग एक चाहिए था मेरे को, आ जाओ जाओ इधर तुम्हारा नाम रखूंगी मैं अतारो, अतारो इधर आ जाओ, और डॉग उसके साथ आ चले जाता है, और वो बताता है इस तरह हमें हमने एक और इसका ओनर फाइंड कर लिया, इसके दोस्त तो बहुत बढ़िया कॉन्ग्रेचुलेशन यार, कहती कोई बात नहीं तुम्हारे लिए इतना बुरा भी नहीं है वैसे, अरे मधोका तो उतने कितने दिन से स्ट्रेस में था इतना डर डर के रह रहा है, उसका पूरा हॉरर हाउस लग रहा होगा, यूजी बोलता है, उसका एक चश्मे वाला दोस्त कहता है कि उसका नाम होता है हिरोशी, कहता है हाँ तुमको भी कुछ करना चाहिए, फिर वो जा रहा होता है घर पर, कहता है इसी दिन कुछ दिन पहले यहीं पर मेरे को डॉग मिला, क्या ही कितनी जल्दी थी बदल गए, लेकिन मेरे को नहीं जाना, मधोका कह रहा है कि हमने अरेंजमेंट करा लिया है, कई चूर कहते तुमको जाना पड़ेगा, कह रहे नहीं तुमको नहीं जाना पक्का है कंफर्म हो तुम, नहीं मेरे को नहीं जाना, वहाँ पे पूछ चीरो क्या चल रहा है यहाँ पे, कह रहा है मधोका मना कर रहा है बिजनेस ट्रिप पे जाने के लिए, क्या बिजनेस ट्रिप आज ही, अरे चुपचाप तुम जा रहे हो कि नहीं जा रहे गधे कहीं के बुढ़े आदमी, वो देखिए चलो अपना शक्ल चेंज करो आओ दिखाते हैं यहाँ पे, मधोका इतना स्टाइलिश करे कि तो अरे तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, अरे तुम फ्रॉड तो हो तुम एक नंबर के, कई चीरो बोलता है करके ना मैं पूरे 3 दिन निकले जा रहा हूँ तुमको अकेलापन तो नहीं लगेगा मेरे बिना, कभी भी तुम बुला सकते हो कितने साल में भी, फिर वो बताइए तुम 1 साल के लिए भी चलेगा मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मोबाइल लो तो मतलब ये मैं ले सकता हूँ मोबाइल, कर हाँ तो मेरे कभी भी कब कहीं पे भी किसी भी टाइम बुला सकते हो, मॉर्निंग सुबह शाम दिन रात कभी भी, अरे मैं नहीं करूँगा खाली तुम करना कॉल, फिर तो चीरो मेरे को एक तुम मेरे को किडनैप कर रहे हैं मैं किडनैप हो गया मेरे को बचाओ, चीरो बोलता बाय बाय, फिर वो बाहर देखता है कि मैं हम पूरे घर रूम के अंदर मैं अकेला हूँ पूरे घर के अंदर पहली बार है, अब वो पूरे देख रहा होता है ये घर अब मेरा बढ़िया, मैं जी भर के क्लीनिंग करूँगा साफ सफाई अच्छे से करूँगा, किचन से लेके बालकनी तक टेरेस से लेके छत तक शीशे से लेके कुशन तक पूरा कुछ मैं करने वाला चलो, फिर स्कूल का टाइम दिखाता अगले दिन का, क्या तुम्हें सर्दी लग गई तुम बाथरूम में कर रहे थे बिना कपड़ों के इसलिए, हाँ मैं थोड़ा सा वो हो गया था ध्यान नहीं दिया मैं ऐसे टाइल साफ कर रहा था इसलिए मेरे को ठंड लगी रात भर, अरे तुम कितने पागल कौन हो सकता है इतना, अरे ऐसा मत करो अब तुम ठीक रहोगे अकेले घर पे हो तो मैं मदद करूँ, हमारी चीज़ कहते मैं ठीक हूँ मेरे को फ़ोन दे रखा है मेरे को खाली पता नहीं कैसे यूज़ करते हैं, अच्छा दिखाओ यूजी मांगता है, यूजी उस पर चेक करता है, फिर तुम्हें पे बहुत सारे मैसेज आए हैं देखो इसको पुश करोगे मधोका ने भेजा है, क्या क्या ये मतलब कि बहुत अच्छा फिर सो गए तुम जाग गए, मतलब कि हर टाइम मैसेज कर रहा है कि स्वीट ड्रीम माँ ऐसे कुछ कहे कि छी मैं रिप्लाई दूँ, कह रहे बिल्कुल नहीं रिप्लाई नहीं चाहिए इसको ये और बेकार हो जाएगा, क्या मच्छी का मतलब क्या होता है मेरे को मत बुलाओ ची, वो मेरे को बुलाता पागल जैसा, मैं घर आ गया खाली घर में कोई होता नहीं है, वहाँ पे हमारा चीरो अकेले रहता है,
लेकिन मधुका अब चले गए तो घर आके सुना सुना लग रहा है। मधुका का ऑफिस दिखाते हैं जहाँ पे उसका चल रहा होता है बिजनेस ट्रिप। अबे मधुका बोलता है कि ये काम करो, उसको उधर थोड़ा साइड में रखो और हाँ हाँ थोड़ा लाइट कपड़े इस्तेमाल करो। बोलता है बहुत बढ़िया, जैसे मैं तथा रोगी का जो किया था बहुत बढ़िया, तुम्हारा शुक्रिया। कि चुरा यार कोई बात नहीं, हम फिर से कर सकते हैं। फिर कल के लिए भी हम मैं काउंटिंग करूँगा तुम्हारे पे, फिर आपका बहुत शुक्रिया। वो टाइम देखता है, फिर मेरे को कुछ टाइम मिलेगा, वो बोला कि श्योर, और मैसेज करता है वो हमारे चीरो के फ़ोन पे, मैसेज चेक करता है वो एक और मैसेज, बोलता कि तुम घर आ गए, वेलकम होम। अरे यार मेरे को बच्चों जैसा ट्रीट क्यों कर रहा, फ़ोन फेंक देता है, फ़ोन देखता रहता है। सो बुरा लगता है कि हाँ यार मेरी केयर कर रहा है। तो फिर उसके बाद फ़ोन उठाता है, बोलता कि मैं रिप्लाई में क्या लिखूँ, मेरे को सर्दी हो गई, मैं घर आ गया। अरे नहीं मैं क्यों बताऊँ, मैं बताऊँ उसे टेंशन हो जाएगी, अब क्या करूँ, ऐसी बात नहीं है। फिर यही बोल रहा होता है कि इसको डॉग भी पसंद नहीं है, मेरी मदद भी करी है, और लिख देता है कि मैं घर आ गया तो तुम्हारा शुक्रिया, तुम और ना आना मत। फिर काट देता सब कुछ, कहते कि नहीं मैं क्लीनिंग करने सफाई पे लग जाता हूँ। रात होते वहाँ पे बोलता है कि अरे यार आज तो मैं थक ही गया। मैं सोचा चीरो ने खाना खाया कि नहीं खाया, उसने खा लिया। ओके चीरो कह रहा होता है कि तो ऐसी बात नहीं है, वो अकेलापन नहीं है, वो रो रहा होगा ऐसे मेरे बिना, ऐसा लग रहा है। इसने मेरे को कितने रिप्लाई भी नहीं दिया इतने मैसेज का, क्या तुमने ज़्यादा ही भेज दिया हो, कई चीरो बोलता है। बोलता कि जब ऐसी भी चलो हमको मेरे को जा रहा हूँ, गुड नाइट। ओके फिर वाला ना मधुका बोलता है गुड नाइट चलो, आप फ़ोन देखता रहता है। वहाँ पे ना हमारा चीरो सफाई करते करते कह रहा है मेरे को ज़्यादा ही फीवर हो गया, ज़्यादा ही बढ़ गया, लगता है मेरे को अपने सो जाना चाहिए। और वो ना बोलता चल यहाँ पे सही में सूना सूना सा लग रहा है मेरे को, डर सा अरे कि क्या करूँ, मैं कभी इतनी ज़्यादा बीमार नहीं हुआ, वैसे मेरे को फिनिश कर देना चाहिए था सफाई, यही मेरा चांस था। फिर ना उसका ना बोलता कि कोई नहीं है घर पर, मैं अकेला हूँ, सब इतना शांत, मैं रिलैक्स तब भी नहीं हो पा रहा। फिर उसे कॉल मैसेज आता है, मैसेज में लिखा रहता है कि तुमने खाना खा लिया, तुम बोर हो रहे हो। अरे मैं क्यों बताऊँ, पहले से अपना जॉब प्रॉपरली करो, तुम सही हो, वो मधुका मैसेज कर रहा होता है। ये देख के ना मेरे कई चीज़ों के वहाँ पे मधुका बैठा रहा है, मुझे सफाई ब्रश करा होता है वहाँ पे, उसे एक मैसेज आता है चीरो की तरफ से। वो देखता है क्या चीरो ने भेजा है। फिर वो बोलता है कि जब नंबर आपने डायल किया वो सर्विस में नहीं है, अब फ़ोन काट देता है कि हमारा चीरो, कि मेरे को परेशान नहीं करना चाहिए, मेरे को कोल्ड लग गया तो उसका बिजनेस ट्रिप ख़राब हो जाएगा, मेरे को सो जाना चाहिए, ये मैं सब ठीक रहेगा, ये सिर्फ एक सर्दी है, कोल्ड है, मैं होप करता हूँ कि वो कल सुबह तक आ जाए, नहीं तो मेरा टेंशन हो जाएगा, मेरी बीमारी बढ़ जाएगी। और सो जाता है, उसे अपनी मॉम की याद आती है, किसकी मॉम को देखता है कि वहाँ पे खाना बना रही होती है। वो बोलता है कि तुम जाग गए, तुम लेटे रहो, तुम उठे क्यों। चीरो कि आप क्या कर रही हो, मैं राइस चावल बना रही हूँ। वो कह रहा कि तो यहाँ पे मत बना करो, इसके अंदर राइस कुकर का इस्तेमाल किया करो। अरे क्या हो गया, आपको काम पे नहीं जाना, कह रहे मैंने छुट्टी ले रखी है, मेरे को तो सिर्फ वो बुखार ही तो है। अरे बुखार को कम मत समझो, तुमको करना पड़ेगा और चुपचाप सो जाओ। वो अपनी मॉम के बारे में सोच रहा होता है कि काश मेरी मॉम रहती अभी खाली। फिर बोलता है टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और वो यही बोलता है। फिर उसको ना थोड़ा लग रहा होता है, फिर वहाँ पे ना एक आदमी उसको टच करता है माथा, पता चलता है मधुका। वो बोलता है चीरो तुम ठीक तो हो। फिर बोलता है क्या मतलब, तुम तो वहाँ पे थे ना। वो बोलता है कि तुमको फीवर हो गया, तुम बुखार है कर तुम क्या। हाँ मैं आ गया, मैं 3 घंटे में टैक्सी लेके आ गया वहाँ से। क्या 3 घंटे में कितना पैसा पड़ा, इतना सारा पैसा क्यों दिया, ये ऐसा नहीं है। और किसने बोला, अरे तुमने ही तो बुलाया, तो मेरे को कॉल करके काट दिया। अरे ऐसी बात नहीं है, तुम पागल हो क्या, गधे हो क्या, ये तो सिर्फ फ़ोन कॉल ही तो था। और ऐसे फिर पकड़ लेता है, बोलता है जाओ मत, यहीं पे रह जाओ। फिर वो बोलता है कि ठीक है। और चीरो बोलता है वेलकम बैक। फिर उसके बाद ना हमारे मधुका हंस रहा होता है कि तुम्हारा शुक्रिया। फिर उसके बाद वो दिखाते हैं इसके, फिर बोलता है कि चलो ठीक है, मेरे को यही शुक्रिया करना चाहिए और डॉग के लिए, तुमने डॉग को रखा क्योंकि तुमको डर लगता था। और मैं सच बताऊँ तो मैं तुमसे बहुत इंप्रेस हुआ, बहुत अच्छी हो। वो कोई बात नहीं, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, और ये मैं तुमको माफ़ करता हूँ, डॉग की बात ख़त्म करो। फिर बोलता है कि चीरो ठीक है। फिर वो मधुका बोलता है कि ठीक है चलो वेलकम होम मेरी तरफ से भी। फिर इसके बाद वो ना रात का सीन हो जाता है ख़त्म। फिर सुबह हो जाती है, फिर बोलता है कि क्या तुमने गंद फैला दिया किचन का, देख के शौक पड़ जाता है हमारे चीरो, कहता है ओह गुड मॉर्निंग मैं राइस बना रहा हूँ। अरे क्या भैया, डेजावू हो गया क्या, सपना जो देखा वो सच हो गया। वो बोलता है कि तुम्हारा कैसा बुखार है मधुका, अरे मैं खुश हूँ तेरा बुखार उतर गया, खाली तुम एक दिन का रेस्ट और करो। अरे ठीक है अब मैं टेंशन मत, मैं करूँगा। अरे क्या तुम फिर से अपने काम पे भाग रहे हो करा। हाँ फिर उधर का सीन का दिखाते हैं, वहाँ पे लेटर छोड़ के जाता है मधुका कई चीरों के लिए, तुम विक पहन के काम कर लेना। चीरो कहता तुमने उसको यार क्यों फंसा दिया। वो बोलता है कोई बात नहीं, तुम ये गलत बात है, तुमने कई चीरों को प्रॉब्लम में डाल दिया पागल कहीं के, तुम बहुत बेकार हो। यहीं पर एपिसोड ख़त्म होता है हमारा।